सभी के आपके अपने YouTube चैनल अपना बिहार में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के पटड़िया में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी बत्तख है और ये बत्तख तकरीबन आज 28 दिन की हो गई है और इन्हें वैक्सीनेशन का काम जारी है। दोस्तों आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि इस वक्त मेरे पास माइक नहीं है तो आवाज़ के लिए कम आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। आइए जानते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन पड़ रही है, इस वैक्सीन देने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर वैक्सीन ना दें तो किस तरह की बीमारी बत्तों को हो सकती है। चलिए जो वैक्सीन दे रहे हैं उनसे हम बातें करते हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी आप हमें ये बताइए किस चीज़ की वैक्सीन पड़ रही है? बर्ड फ्लू का वैक्सीन पड़ रहा है जी। ये कब पड़ता है? 28 से 30 दिन के पड़ता है बर्ड को जी। ये बर्ड को कोई भी मारी हुआ इसके लिए रोकथाम के लिए है जी। जी तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं शुरुआती 28 से 30 दिनों के अंदर इस वैक्सीन को दिया जाता है और इस वैक्सीन को देने से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां जो डक प्लेग वगैरह होती है बच्चों को, उस बीमारी से आपके चूजे जो है बच सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इस फॉर्म में तकरीबन 1500 बत्तख इसमें मौजूद है। जैसा कि आप देखिए इसमें 1500 बत्तख मौजूद है। इसके सर पर दिया जाता है ना? चमड़ी में दिया जाता है इसके। दोस्तों यदि आप भी डक फार्मिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ आप देखें कि बत्तख को यानी कि डक को वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाली जो बीमारियां होती है, जो रोग होती है, जो डिजीज़ होती है, उससे आपकी बत्तख सुरक्षित रह सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी हैं, उनकी मदद से वैक्सीन का काम जारी है और ये जितेंद्र जी है वैक्सीन दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, छोटा सा वीडियो था आपको बस दिखाने के लिए और बताने के लिए ताकि आप लोग जान जाए वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।